प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान किया गया, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में 30 अप्रैल ता 5 मई तक ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। प्राइवेट स्कूल्स 6 मई से दोबारा खुलेंगे। प्राइवेट स्कूल्स में 6 मई से दोबारा निसाबी सरगर्मियों का आगाज़ होगा। सरकारी स्कूल में 2 मई से 5 मई तक छुट्टियाँ होंगी। स्कूल एजुकेशन ने तहा छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मुतअद्दिद प्राइवेट स्कूल्स 9 मई बरोज़ पीर से दोबारा खुलेंगे। तो प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल्स में 30 अप्रैल तक 5 मई तक ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। प्राइवेट स्कूल्स 6 मई से दोबारा खुलेंगे। प्राइवेट स्कूल्स में 6 मई से दोबारा निसाबी सरगर्मियों का आगाज़ हो जाएगा, जबकि सरकारी स्कूल्स में 2 मई से 5 मई तक छुट्टियाँ होने वाली हैं। प्राइवेट स्कूल्स 6 मई से दोबारा खुलेंगे। प्राइवेट स्कूल्स में 6 मई से दोबारा निसाबी सरगर्मियों का आगाज़ होगा। सरकारी स्कूल में 2 मई से 5 मई तक छुट्टियां होंगी। स्कूल एजुकेशन ने तहा छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मुतअद्दिद प्राइवेट स्कूल्स 9 मई बरोज़ पीर से दोबारा खुलेंगे। तो प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल्स में 30 अप्रैल तक 5 मई तक ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। प्राइवेट स्कूल्स 6 मई से दोबारा खुलेंगे। प्राइवेट स्कूल्स में 6 मई से दोबारा निसाबी सरगर्मियों का आगाज़ हो जाएगा, जबकि सरकारी स्कूल्स में 2 मई से 5 मई तक छुट्टियाँ होने वाली हैं।